फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने डेटा लीक विवाद पर चुप्पी तोड़ी, कहा डेटा सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और अगर हम इसमें फेल होते हैं तो हम सेवा देने के लायक नहीं। फेसबुक डेटा लीक विवाद में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर, बीजेपी का आरोप आम चुनाव में मदद के लिए कांग्रेस आरोपी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के संपर्क में थी। सुरजेवाला बोले 2010 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने इस कंपनी का इस्तेमाल किया। फेसबुक डेटा लीक विवाद में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक को चेतावनी जारी की, कहा जरूरत पड़ी तो फेसबुक पर कार्रवाई की जाएगी। अब चेन्नई की कनिष्क गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर बैंकों का 824 करोड़ हड़पने का आरोप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर छापेमारी शुरू की। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के 131 आरोपियों पर से मुकदमा हटाने की तैयारी शुरू, यूपी सरकार के इस फैसले में 13 हत्या और 11 हत्या की कोशिशों के आरोपी भी शामिल। गाय के नाम पर हुई हत्याओं में पहली बार सजा का ऐलान, झारखंड के अलीमुद्दीन अंसारी हत्याकांड में सभी 11 मुजरिमों को उम्र कैद की सजा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट पर फंसे क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, जोधपुर की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे और भागलपुर सांप्रदायिक तनाव के आरोपियों में से एक अर्जित शाश्वत ने बिहार के मुख्यमंत्री को खुली चुनौती दी, कहा मेरे खिलाफ हुई एफआईआर रद्दी का टुकड़ा, मैं इसे कूड़े में फेंकता हूं। और जेएनयू में सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकार छात्राएं सामने आई, प्रोफेसर अतुल जौहरी को 15 मिनट में जमानत मिलने पर सवाल उठाए, जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन।